आज मैं ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ गेठी प्याज और आलू की पकौड़ी। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। अगर आप उत्तराखंड से हैं तो आपको गेठी ऑब्वियसली मालूम होगा, नहीं तो ये एक तरीके का बेल में लगता है, बेल के ऊपर लगता है ये। शायद इसकी बेल को बराही कंद नहीं, बिदारी कंद बोलते हैं शायद, बिदारी कंद, हाँ बिदारी कंद का हुआ ये। तो चलिए देखिए कैसे मैंने इसे बनाया है। कभी कभी ना कुछ अलग खाने का मन कर जाता है, तो उसके लिए मैंने कुछ मसाले भी लिए हैं। ये है, इसको मैं छील लेती हूँ। खांसी में गेठी बहुत ही फायदेमंद होता है। इसे गैस या आग में भून कर खाया जाता है और शारीरिक कमजोरी दूर करने के लिए भी इसका सेवन किया जाता है। यह बहुत ही पौष्टिक होता है। ये जो है ना, इसको इस तरीके से। गेठी की पकौड़ी बहुत ही स्वादिष्ट होने के साथ साथ कुरकुरी भी बनती हैं। आप इसे किसी भी हरी सब्जी के साथ बना सकते हैं। गेठी को कसते समय ना थोड़ा टाइट हाथ से पकड़ के रखना, क्योंकि ये फिसल जाता है, चिपचिपा होता है अंदर से, तो ये हाथ से फिसल जाएगा तो हम कसते समय जोर भी लगाते हैं और हाथ छिलने का डर रहता है। गेठी को उबाल कर प्याज टमाटर लहसुन अदरक हरी मिर्च डालकर इसकी बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनती है, जो बहुत ही कम समय में बन जाती है। शायद इसका सुखा करके आटा भी बनता है, जिसे व्रत वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तो मैंने कस लिया, देखो कैसा काला काला सा हो रहा है ना, ऐसे लग रहा है आलू छील के रख दिए थे, पर ये आलू नहीं है, आपने देख लिया है ना सामने में ही, अब आलू है ये। इसे भी छील लेते हैं इसी तरीके से। गेठी का ना हलवा भी बनाया जाता है, जैसे आलू उबाल कर आलू का हलवा बनाते हैं वैसे ही बनाया जाता है। प्याज को इसी में काट लेते हैं और इसकी भी ना पतली पतली के, थोड़ी सी मोटी मोटी स्लाइस निकालेंगे, अधिक पतली तो नहीं करेंगे, वो तो फिर जल जाएगा। गेठी हमारी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, इसीलिए हमारे पूर्वज जो थे वह इसका डेली रूटीन में सेवन करते थे। जी, इस तरीके से हमें प्याज काट लेनी है और धनिया भी आप अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग काट सकते हैं, रफली भी इसे चॉप कर सकते हैं और बहुत बारीक भी से बना सकते हैं। देख लिए मैं इसको कैसा बना रही हूँ, तो दिख ही रहा है। और अब ले ली है मैंने ये मिर्चें, मिर्चों को बहुत बारीक काटना, नहीं तो ना बड़ा सा पीस एक मुंह में आ जाएगा, तो अगर वो फर्स्ट में ही आ गया तो कोई पकौड़ी नहीं खाई जाती, फिर तो बस कट गया, लेकिन मेरे से भी इतना बारीक तो अभी नहीं कटा है। चलिए कोई बात नहीं, जैसा भी हुआ है कटा। ये बर्तन ले लिया है मैंने, ये है चावल का आटा, ये मैं हाथ से ही निकाल के लाई हूँ अभी से। तो इसमें डाल दे रही हूँ मैं इस चम्मच से 3 चम्मच, और उसके बाद देख लूँगी कि और ज़रूरत पड़ेगी तो डाल लूँगी। ये पानी लिया है तो इस पानी को भी आप अपने हिसाब से डालिएगा, क्योंकि जब चावल का आटा ज़्यादा मोटा होता है तो उसमें पानी ज़्यादा लग जाता है, और बारीक होता है तो तब कम लगता है। तो यह है, आप बनाते समय ही अंदाज़ लगा पाएंगे कि कैसा आपको ज़रूरत है इसमें। और चावल के आटे में गांठें नहीं बनती हैं, जैसे कहते हैं कि बिल्कुल धीरे धीरे करना है ये करना, आप कैसे भी पानी डालेंगे तो चावल के आटे में गांठ नहीं बनती है। बस पानी बहुत कम मत डालना। अब मैं अब ये डाल लेती हूँ सारी चीज़ें। ये अदरक लिया है मैंने, लगभग 1 इंच का, 1.5 इंच का टुकड़ा होगा, ये कस लिया था। और अब डाल दूंगी मैं इसमें ये गेठी और आलू, साथ में हरी मिर्चें, तो अब इसको मिला करके देखते हैं अगर ये पकौड़ी जैसा बैटर बन पाता है तो ठीक है, नहीं तो इसमें हम आटा और ऐड कर लेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें ऊपर से आटा मिलाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, लम्स नहीं बनते हैं। हाँ, मुझे और आटा डालना चाहिए इसमें, मैं थोड़ा सा आटा और डाल लेती हूँ।
इसको ना गूंथने की तरह ही करना है क्योंकि इसमें रेसे हैं। आप चम्मच से करेंगे तो इतना अच्छा नहीं बनेगा ये, क्योंकि इन सभी को मिलाना है हमें, एक दूसरे के बीच में डालना है। आलू प्याज में मिल जाए, प्याज गेठी में मिल जाए। ये तो मैंने 3 चम्मच पहले डाले थे, लगभग 4.5 चम्मच आटा मेरा फिट हो गया इतने बैटर बनाने में। बस अब ठीक है, इससे ज़्यादा तो फिर वो रेसे दिखेंगे भी नहीं। हल्दी, मिर्च, गरम मसाला, अजवाइन और हींग। इसे भी आप अपने स्वाद के अनुसार डालिए, किसी को मिर्चें ज़्यादा पसंद होती हैं तो वो ज़्यादा कर ले। और अब लास्ट में डालूंगी मैं इसमें नमक। अगर आपके पास दरदरा कुटा हुआ हरा धनिया हो तो उसे ज़रूर डालिएगा, आज मेरे पास नहीं है, वैसे मैं रखती हूँ उसे। कभी कभी ना मैं जल्दीबाजी के चक्कर में काम खराब भी कर देती हूँ। अभी सारा अगर पानी इसमें पड़ जाता तो फिर क्या होता। ये लो, हो गया। तो अब मैं डाल दे रही हूँ इसमें स्वादानुसार नमक। यह रेसिपी आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं इसी तरीके के वीडियोस बनाती रहती हूँ और आगे को भी बनाती रहूँगी। बस नमक डालते तो ना एक गीला होने लगता है। आप इसे बेसन में भी बना सकते हैं, बेसन मैदा और चावल का आटा मिला करके भी आप बना सकते हैं। और तो चलिए अब गैस की तरफ को जाते हैं। और ये मैंने गैस में चढ़ा दी है कढ़ाई। ये रिफाइंड ऑयल लिया है मैंने, आप चाहे तो घी में भी बना सकते हैं या सरसों के तेल में बना सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो। तो उधर की गैस में मेरी चाय बन गई है और अब मैं, तेल भी गर्म हो गया है तो बनाती हूँ पकौड़ी। देखिए बैटर गीला गीला हो गया नमक डालने के बाद ना, ऐसा हो जाता है। ये बहुत ही स्वादिष्ट होती हैं। आप अगर आपके पास एक गेठी अवेलेबल हो तो आप बनाइएगा ज़रूर। अगर आप उत्तराखंड से हैं तो ज़रूर कभी ना कभी आपके पास ये चीज़ आती होगी, अगर बाहर भी रहते हैं आप घर से। तो हमारे पहाड़ों के लोग तो इतने अच्छे होते हैं कि हमें यहाँ रहते हुए भी ना पहाड़ों की कोई कमी नहीं खलती, चीज़ें हर बार पहुँचाते रहते हैं। पकौड़ी बनाते समय आप गेठी में से आलू या प्याज किसी को भी स्किप कर सकते हैं और केवल गेठी गेठी की पकौड़ी भी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। बस तेल बहुत अच्छे से गर्म कर लेना है और गैस को फिर थोड़ा सा मीडियम कर लेंगे क्योंकि तेज में जल जाएंगे पकौड़े। बस जैसे ही ये थोड़ा सा दिखने लग गए ना ऊपर को, तो पलट देने हैं नॉर्मल, जैसे और पकौड़ियाँ बनती हैं वैसे ही। देखो कितना सुंदर सा लग रहा है ना, इसके जो रेसे दिख रहे हैं ना वो बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे। स्वाद तो कैसा है वो तो आप जब बनाएंगे ना तभी पता चलेगा, क्योंकि जो बनाता है तो उसे तो अपनी हर चीज़ ही अच्छी लगती है, मुझे भी अच्छी लगती है। तो ये बन रहे हैं, देखो किस किस ने पहले बना रखे हैं ये पकोड़े, तो कमेंट करके मुझे बताइएगा ज़रूर। और कैसे कैसे बनाए थे, कैसे बनते हैं वो, क्योंकि देखो जो मैं बनाती हूँ मुझे लगता है कि मैं शेयर करूँ सबको, क्या पता किसी को अच्छी लगी ये चीज़ तो वो भी बनाएगा। तो ऐसे ही हमारा भी मन करता है अगर आप लोगों को जो जानकारी है वो हम तक पहुँचे तो हम भी उसे ट्राई करेंगे।
क्योंकि कोई भी चीज़ हो एक दूसरे से ही सीखी जा सकती है। वैसे तो सब बनाते ही हैं लेकिन सबका तरीका अलग अलग होता है, तो एक ही चीज़ में से कई चीज़ें बन जाती हैं और कई तरह से बन जाती हैं। अगर आप पकौड़ी को मेरी तरह केवल चावल के आटे से बना रहे हैं तो गैस का फ्लेम हाई और मीडियम ही रखना। लो रखने पर चावल का आटा तेल पी जाता है, बहुत तेल भर जाता है उसमें। पकौड़ी बहुत तेलीय हो जाती हैं जिससे उनमें वो भरपूर स्वाद नहीं मिल पाता है, और दूसरा तेल हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक मात्रा में सेवन करना बहुत नुकसानदायक होता है। ये देखिए बन गए ना, हल्का हल्का हो रहे हैं बन में, लेकिन थोड़ा सा और कर लेते हैं, करारे करारे ही अच्छे लगते हैं पकौड़े। अगर आपको थोड़ी देर बाद खाने हो ना तो आप इन्हें निकाल लीजिएगा तुरंत, पहले मतलब थोड़ा सा बने हो जब, और उसके बाद जब आपको सर्व करने हो या खुद खाने हो तो उसी समय दोबारा से इनको तल के फिर आप खाइए, तो बहुत ही करारे बनेंगे। तो मैं इसी प्रकार से सारी पकौड़ियों को बना लेती हूँ और आपको बाद में दिखाती हूँ कि कितनी सारी पकौड़ी मैंने बनाई हुई है। यह आप देख सकते हैं पकौड़ी बन करके बिल्कुल तैयार हो चुकी है, इसमें बिल्कुल भी तेल नहीं है, एकदम करारी हो रही है, कुरकुरी। पकौड़ी को तलते समय बीच बीच में पलटते रहिए जिससे वह जले नहीं। तो हमारी तो पकौड़ी तैयार हो गई है, आप भी पकौड़ी बनाए हैं और गरम गरम चाय के साथ, चटनी के साथ, दही के साथ सर्व कीजिएगा। पकौड़ी देखने में भी बहुत ही स्वादिष्ट और सुंदर लग रही हैं, और साथ में यह देखिए कि कितनी करारी बनी हुई हैं। मैंने ना एक हाथ से फोन पकड़ा हुआ है तो इसलिए आपको सही से दिखा नहीं पा रही हूँ।